नीट यूजी एंट्रेंस एग्जाम रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद से ही विवादों में है। इसे लेकर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए को फटकार लगाई है। इस पूरे मामले में अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया पेज पर लिखा है कि नीट परीक्षा में 24 लाख से अधिक छात्रों के भविष्य के साथ हुए खिलवाड़ पर भी नरेंद्र मोदी हमेशा की तरह मौन धारण किए हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा शासित राज्य पेपर लीक का एपिसेंटर बन चुके हैं। सबसे पहले आपको राहुल गांधी का पूरा ट्वीट ही पढ़वा देते हैं। राहुल गांधी ने लिखा, नीट परीक्षा में 24 लाख से अधिक छात्रों के भविष्य के साथ हुए खिलवाड़ पर भी नरेंद्र मोदी हमेशा की तरह मौन धारण किए हुए हैं। बिहार, गुजरात और हरियाणा में हुई गिरफ्तारियों से साफ है कि परीक्षा में योजनाबद्ध तरीके से संगठित भ्रष्टाचार हुआ है और ये भाजपा शासित राज्य पेपर लीक का एपिसेंटर बन चुके हैं। हमारे न्यायपत्र में पेपर लीक के विरुद्ध सख्त कानून बनाकर युवाओं का भविष्य सुरक्षित करने की हमने गारंटी दी थी। विपक्ष की जिम्मेदारी निभाते हुए हम देश भर के युवाओं की आवाज़ सड़क से संसद तक मजबूती से उठाकर और सरकार पर दबाव डालकर ऐसी कठोर नीतियों के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। राहुल गांधी के इस कमेंट से साफ है कि विपक्ष ने सरकार को अब नीट के मुद्दे पर घेरने का मन बना लिया है, फिर चाहे बात सड़क की हो या संसद की। राहुल के अलावा आम आदमी पार्टी ने पहले ही आप स्टैंड्स विद नीट स्टूडेंट्स नाम से एक हैशटैग चला रखा है। उन्होंने 18 जून मंगलवार को ही राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर नीट में हुई धांधली के खिलाफ प्रदर्शन किया, जहां आपके कई नेताओं ने इसे बड़ा भ्रष्टाचार बताया। आप नेता संजय सिंह ने इस मामले पर क्या कुछ कहा, आप खुद उनकी पूरी बात सुनिए। करोड़ों बच्चों का भविष्य बर्बाद हुआ है और पिछले 2-3 सालों में करीब 3 करोड़ बच्चे पेपर लीक के कारण बर्बाद हुए। उत्तर प्रदेश में 60 लाख बच्चे पुलिस भर्ती घोटाले में और 24 लाख बच्चे इस नीट के एग्जाम में बर्बाद हुए। 767 बच्चों का टॉप करने के साथ क्या ये संभव है? एक बच्ची जिसको फिजिक्स में 1 नंबर मिल रहा है, नीट में उसको 720 नंबर मिल रहा है, गुजरात की बच्ची, क्या ये संभव है? जब 14 जून को परिणाम आने थे तो 4 जून को जिस दिन चुनावी परिणाम आया उस दिन परिणाम आपने क्यों निकाला, रिजल्ट क्यों निकाला नीट का? ये सारे प्रश्न हैं जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि नीट में घोटाला और घपला हुआ है, ये एग्ज़ाम रद्द होना चाहिए और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। अभी सड़क पे आवाज़ उठाई है, पार्लियामेंट शुरू होगी तो सदन में भी आवाज़ उठाएगी। आपको बता दें, इस मामले में आज मंगलवार 18 जून को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई। मोशन एजुकेशन कोचिंग सेंटर के CEO नितिन विजय ने कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी। नितिन के वकील ने कोर्ट में सिस्टम पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसी परीक्षा होगी तो एग्जाम कैसे हो पाएंगे। इस पर एनटीए की ओर से कहा गया कि हमें जवाब देने दीजिए, लेकिन नितिन के वकील ने एनटीए की बात को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि एनटीए अपना जवाब पहले ही दे चुका है। इस पूरे मामले पर जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस SV भट्टी की वैकेशन बेंच ने एनटीए को फटकार भी लगाई। बेंच ने कहा है कि अगर किसी की ओर से 0.001% भी लापरवाही है तो उससे पूरी तरह निपटा जाना चाहिए। बच्चों ने परीक्षा की तैयारी की है, हम उनकी मेहनत को नहीं भूल सकते। कोर्ट ने एनटीए से यह भी कहा कि परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी के रूप में आपको निष्पक्ष तरह से काम करना चाहिए, अगर कोई गलती है तो उसको मानकर कार्रवाई भी करनी चाहिए। बेंच ने सरकार और एनटीए से कहा, कल्पना कीजिए कि सिस्टम के साथ धोखाधड़ी करने वाला व्यक्ति डॉक्टर बन जाता है तो वो समाज के लिए और भी ज्यादा खतरनाक है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को यह बताया गया है कि प्रभावित स्टूडेंट्स को जल्द ही उनके मार्क्स बता दिए जाएंगे, जिसमें पहले से दिए गए ग्रेस मार्क्स शामिल नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट में नीट के नतीजों पर अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट या राजनीतिक गलियारों में आगे जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए द लर्निंग टॉप। शुक्रिया।